अगर आप भी एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं, यानी अगर आपके पास LIC की किसी भी तरह की कोई पॉलिसी है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके फायदे की बात होने वाली है। देखिए, अगर कभी भी किसी भी इंसान को पैसों की जरूरत पड़ती है, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, पढ़ाई, किसी भी तरह का अनवांटेड अननोन खर्चा आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग या तो अपने रिश्तेदार से मांगते हैं या फिर लोग अपना एक पर्सनल लोन लेते हैं। पर्सनल लोन बहुत ही महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं, तो शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके बैंक में गिरवी रखें उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। इसको कहते हैं लोन अगेंस्ट योर पॉलिसी। LIC अपने सारे कस्टमर्स को ये सुविधा देती है। इसमें जनरली 90% या 85% तक के अमाउंट यानी सरेंडर वैल्यू पे आपको लोन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, तो मान लो कि आपको 8.5 से 9 लाख रुपए तक का इमरजेंसी में लोन मिल सकता है। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि आपने 3 साल लगातार अगर प्रीमियम भरा है तो ही आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस सर्विस को अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा। आप इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके में आपको सबसे पहले LIC पॉलिसी पर जो ये लोन होगा वो सिक्योर्ड लोन माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी पॉलिसी बैंक में गिरवी रखी है। तो जब तक आप लोन नहीं चुकाएंगे तब तक वो बैंक के पास रहेगी। जब आप इसका कर्ज चुका देंगे तब बैंक आपको वापस कर देगा और वो पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद पैसा आप ले सकते हैं। इसमें पॉलिसी बॉन्ड गारंटी के रूप में रखा जाता है। ये लोन हासिल करने के लिए LIC की आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको ई सर्विस में जाना होगा। ई सर्विस में जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ पर आपको अमाउंट पता चलेगा। उसके बाद आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को LIC के ऑफिस को भेजना भी होगा। ये करने के बाद डॉक्यूमेंट्स और लोन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपको लगभग 5 से 7 दिन के अंदर लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। वहीं ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए LIC के ऑफिस जाकर लोन एप्लीकेशन देकर आप KYC डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी एंड आपको लोन मिल सकता है। KYC डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ और शायद आपको पैन की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन डॉक्यूमेंट्स का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये था सबसे आसान तरीके से बिना बैंक जाए लोन लेने का तरीका, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ LIC पॉलिसी होल्डर्स के पास ही रहती है। तो अगर आप भी एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं, तो अगली बार पर्सनल लोन लेने की बजाय अपना लोन अगेंस्ट पॉलिसी वाला ऑप्शन जरूर एक्सरसाइज करें, जरूर उसका फायदा उठाएं। और जितने भी लोग हैं जिनको जरूरत है इमरजेंसी फंड की, उन तक ये सही नॉलेज बिल्कुल पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और LIC से जुड़े अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पॉलिसीज की जानकारी चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब करते रहें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।